कोरोना से संक्रमित हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जल्द स्वास्थ्य लाभ के लिए हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को मुक्तेश्वर नाथ मंदिर पर रुद्राभिषेक किया। कार्यक्रम का नेतृत्व करते हुए हिंदू युवा वाहिनी के मंडल प्रभारी संतोष वर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज के कोरोना पॉजिटिव होने की खबर जब लोगों तक पहुंचा, तभी से पूरा प्रदेश उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना कर रहा है। लोग उनके ठीक होने के लिए पूजा अर्चना कर दुआ कर रहे हैं। इस अवसर पर कार्यक्रम के संयोजक हिमांशु गुप्ता, अध्यक्ष आकाश चौहान, महामंत्री उत्कर्ष, संगठन मंत्री राजन वर्मा, कोषाध्यक्ष मनीष मोदी, मीडिया प्रभारी विक्की मिश्रा सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए हिंदू युवा वाहिनी के मंडल प्रभारी संतोष वर्मा ने कहा, संतोष वर्मा, मंडल प्रभारी हिंदू युवा वाहिनी। हम लोग हिंदू युवा वाहिनी कालीबाड़ी नगर मंडल के पदाधिकारी कार्यकर्ता हैं, महाराज जी के सच्चे जो सेवक हैं, और हम लोग हिंदू युवा वाहिनी के लोग महाराज जी का जब से सुने हैं कि कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, बहुत ही दुख हुआ है, क्योंकि ऐसे हमारे योगी जी दिन रात पूरे उत्तर प्रदेश के लिए कार्य करते हैं, और ऐसे में उनका कोरोना पॉजिटिव होना, हम लोग देव के देव महादेव बाबा मुक्तेश्वर नाथ जी के शरण में आए हैं और सामूहिक रुद्राभिषेक करके प्रार्थना करते हैं कि हे बाबा, हमारे योगी जी को जल्द से जल्द जो स्वास्थ्य लाभ हो वो स्वस्थ हो जाए। अब पूरे प्रदेश में जो महामारी आई है कोरोना, उसको ठीक करें, उसके लिए जो इंतजाम करना हो करें, और साथ ही साथ पूरे विश्व में जो कोरोना जैसा राक्षस आ चुका है और इंसानी जीवन को जो लील रहा है, तबाह कर रहा है, ख़त्म कर रहा है, इससे कोरोना जैसे राक्षस का जल्द से जल्द समूल नाश करके विश्व में जो शांति प्रदान करें। जय बाबा मुक्तेश्वर जी महाराज की जय।